में आप सबकी सलामती हो मेरा नाम पास्टर जमील नज़ीर है और मेरा ताल्लुक न्यू लाइफ इन क्राइस्ट चर्च से है एक और लखपत में चर्च है और हम यहाँ मिलकर इकट्ठे खिदमत भी करते हैं और इसी चर्च में हम लोग जाते हैं फैमिलीज में आज का जो हमें टॉपिक दिया गया वो कलमा है जिसे सेवन स्टेटमेंट कहते हैं और छठा कलमा है जिस पे मैं और आप मिलकर सीखेंगे लास्ट में एक चर्च में प्रीच कर रहा था वहां छठ पांचवें कलमे पे तो मैं बोल रहा था कलमे का मतलब क्या है मुंह से बोले हुए अल्फाज कलमा कहलाते हैं तो मैंने कहा सिर्फ ये सात कलमे ही हैं जो मसीह ने बोले नहीं सर कलामस नया एहत नामा सारा इस स्टेटमेंट से भरा हुआ है इन्हीं कलमों से भरा हुआ है कलाम मुकदस में से देखते हैं मुकदस युना रसूल की मार्फत लिखी गई जिले मुकदस उसका उन्नीसवा बाब और जिस वर्ष को हम देखेंगे वो तीसवीं है लेकिन इसको हम उनतीसवीं से शुरू करेंगे बल्कि अट्ठाईसवीं से चलते हैं इसके बाद जब यस्सू ने जान लिया कि सब बातें तमाम हुई इसके बाद जब यस्सू ने जान लिया कि सब बातें तमाम हुई तो क्या लिखा कलाम दोस्त में ताकि वो नविश्ता पूरा हो और कहा मैं प्यासा हूं यशम सि ने क्या कहा वो नविश्ता पूरा हो वो नविता क्या था एक्चुअली जबूर 69 में भी लिखा है उसने उन्होंने मुझे पीने को अंदरायन दी और फिर क्या दिया सिर का दिया अंद्रायन पत मिली हुई मैं थी वो उसके अंदर जो दो चीजें इंक्लूड की गई थी ताकि वो पेन किलर के तौर पर इस्तेमाल की जाए लेकिन मेरे यस्ु ने उसको इस्तेमाल नहीं किया लेकिन जो बेसिकली वर्स है वो बुजुर्ग यर्मिया नबी का सहीफा उसका इकतीसवा बाब उसके उनतीसवीं आयत में है उन आयाम में फिर यू ना लोग कहेंगे कि बाप दादा ने कच्चे अंगूर खाए और औलाद के दांत खट्टे हो गए क्योंकि हर एक अपनी ही बदकारी के सब से मरेगा और हर एक जो कच्चे अंगूर खाता है उसके दांत खट्टे होंगे इस जब यस्सु मसीह ने वो सिरका पिया तकरीबन 300 सौ पेशन गुयासु मसीह ने की जो थी इसमें पूरी होती है और ये सबसे आखिरी प्रॉपसी थी जिसे यसु मसीह ने जब जान लिया कि टाइम मुकम्मल हो गया है तो उसने कहा मैं प्यासा हूं मैं स्पे नहीं बोल रहा इससे पहले जो भी खुदा खादान बड़ा अच्छा उन्होंने सिखाया होगा मैं ईमान रखता हूं लेकिन मैं जरूर कहूंगा कि यसु मसीह को रूहों की प्यास नहीं थी वो बदनी तौर पर वाकई प्यासा था ग़समनी से लेके खोपड़ी के मकाम तक सात बार यसु का खून बहा और सबसे पहले जब इससे पहले उसे गिरफ्तार किया जाता उस जगह पर भी यसु का खून बहा तो बात आ रही है इस चीज की कि जो यसुमसी ने देखा कि ये बातें पूरी हो गई तो यसु मसी ने क्या कहा मैं प्यासा हूं वहां सिरके से भरा हुआ एक बर्तन रखा था बस उन्होंने सिरका में गोए हुए स्पंज को जूफे की शाख पर रखकर उसके मुंह पर लगाया और जब उसने वो सिरका पिया तो उसने कहा तमाम हुआ तमाम हुआ का मतलब क्या था क्यों यसुम सि ने कहा क्योंकि ये आखिरी पेशन गोई थी जो यसुमसी ने पूरी कर दी लोग प्रीच करते कहते हैं जी आज भी चौथी और तीसरी पुष्ट तीसरी और चौथी पुष्ट के गुना ट्रांसफर होते हैं नहीं सर यदि मैंने भी का जो सीफा मैंने पढ़ा उसमें लिखा है तेरे बाप दादा ने कच्चे अंगूर खाए उनके दांत खटे हुए इनके गुनाह ट्रांसफर हो गए लेकिन यहां पर यसू मसीह ने जब इट इज फिनिश कहा तो उससे पहले वो सिरका पिया आखिरी पेशन मसीह ने पूरी कर दी उन्होंने बाप दादा के भी सारे गुनाह अपने ऊपर ले लिए दुनिया के भी सारे गुनाह अपने ऊपर ले लिए और जब वो अपने ऊपर ले चुका और उसे पता था कि मैंने बाप के काम को तमाम किया इट इज फिनिश्ड टेटलेस टॉय का मतलब है कीमत देकर छुड़ा लेना क्या मतलब है जी कीमत देकर छुड़ा लेना कितने जो कीमत देकर छुड़ाए गए हैं आले हर एक कीमत देकर छुड़ाया गया है जो बर्रा के लहू से धुला है जो जुबान इकरार करेगी मसीह खुदावंद है वो नजात पाएगी और टेटल स्टाइल का पहला मतलब है कीमत देकर छुड़ाया हुआ दूसरा मतलब है कीमत देकर आजवाद करवा देना एक कीमत देकर छुड़ा लेना और अपने पास रख लेना दूसरा है कीमत देकर आजाद करा देना आजादों को कीमत देकर छुड़ाया जाता था और गुलामों को भी कीमत देकर आजाद भी करवाया जाता था और दोबारा गुलाम भी बनाया जाता था लेकिन मेरे यस्सु ने दोबारा गुलाम नहीं बनाया बल्कि मुझे और आपको गुनाह की हर एक बदी से छुड़ाकर हमेशा के लिए आजाद किया आरे लोहिया और लिखा है और ये इसकी तीन टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती थी ये टेटलिस्ट था तीन तरह से इस्तेमाल होता था सबसे पहले ये कारोबार में इस्तेमाल होता था तो अगर आपका बिजनेस था सब कुछ होते थे। अगर आप किसी से बिजनेस खत्म कर रहे हो फिनिश कर रहे हो तो आप उसे कहते आए, कि ठीक है तेरा मेरा हिसाब हो गया हिसाब कर ले बिजनेस क्या हो गया टेटल आए हो गया खत्म हो गया दूसरा यह अदालत के लिए इस्तेमाल होता था जब भी किसी मुकदमे का ऐलान किया जाता तो जज बोलता टेटल ट्राई कि अब ये मुकदमा क्या हो गया फिनिश हो गया है और मैंने इस पर फैसला सुना दिया ये टेटल ट्राई हो गया तीसरा यह मिलिट्री टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती थी ली जाती थी और फते का फिनिश्ड और, मेरे मेरे और आपके लिए बजता है वो सलीब के ऊपर उसने बजाया उसने वहां पर उस झंडे को लहराया और उसने कहा इट इज फिनिश्ड वो तो तमाम कर चुका हुआ है वो तो सब कुछ कर चुका हुआ है आज मैं और आप हैं कहां पर आज हम उन्हीं उलझनों में फंसे हो गए आज हमारी जिंदगी हमारे घर औलाद और आने वाली नस्लें किधर है है वो तो कहता इट इज फिनिश तेरी जिंदगी में से गुनाह का खात्मा हो चुका तेरे अंदर से बुराइयों का खात्मा हो चुका तेरी बीमारियों का भी खात्मा हो चुका आड़े लुझा वो तो कहता है इट इज फिनिश अब्रानियो दस चार में लिखा है कुर्बानी जो थी वो गुनाहों को याद दिलाती थी और बाइबल को इसमें लिखा हुआ जब यीशु मसीह ने सलीब पर जान दी तो हैकल का पर्दा ऊपर से लेकर नीचे तक दो हिस्सों में फट गया और बाइबल स्कॉलर्स कहते हैं सेम ये वही टाइम था जब काहिन साल की वो कुर्बानी का जो खून जोल था वो लेकर पार्क मकान तक पहुंचता है लेकिन उसके पहुंचने से पहले ही वो हैकल का पर्दा ऊपर से लेकर नीचे तक फट जाता है और लिखा है बाइबल में काहिन अपने कपड़ों को भी फाड़ देता है यहां से पकड़ता है यूं ब्लास्ट करता है कपड़ों को फाड़ देता है चीखते हैं कि वट इज सेपन ये हो नहीं सकता कि ये हैकल का पर्दा फट जाए बिल्कुल सही मैं कह रहा हूं नहीं हो सकता क्योंकि जब इसको बनाया जाता था बनाने के बाद पांच साठ जीव के पले हुए इधर और पांच इधर बांधे जाते थे और ऐसे हुक लगा के उनको ऑपोजिट मारा जाता था और जब वो फट जाता था उसे हैकल पर नहीं लगाते थे इसलिए वो खुद हैरान हो गई हुआ क्या है लेकिन मेरे यस्सू ने खुद दरमियानी बन गया हड़े लोहिया वो अपना ही खून लेकर एक ही बार और उन पहा तरीन मकामों से होकर गुजर गया और आज वो बाप के देने हाथ बैठा हुआ है वो कहता है टेटलेस आए आए मेरे बेटे आए मेरी बेटी तेरे अंदर से गुनाहों का खात्मा आ चुका है लेकिन आज हम कर क्या रहे हैं आज हमारी जिंदगी कहां पर है आज भी लोग कहते हैं कि अब के हाथों में मार खा रहे हैं जकड़े हुए हैं घरानों के घरने फंसे हुए हैं आज हमें इन चीजों को देखना है कि आज हमारी जिंदगी में हो क्या रहा है यस्ु ने तो कह दिया टेटल क्या तमाम हुआ मैंने बताया कि यरमिया इकतीस उनतीस और इकतीस पढ़ लीजिएगा कि तेरे बाप दादा ने खट्टे अंगूर खाए इसलिए यस्सु ने जब वो सिर का पिया इनके आखिरी पेश उन की उसने बाप दादा के गुनाह भी ऊपर ले लिए सर पे कांटों का ताज था उसने जमीन की लानत आदम रवा को जब बाहर निकाला गया जब बाहर निकाला गया तो उसने कहा जमीन तेरे लिए ऊन कटारे उगाएगी वो जमीन की लानत भी उसके सर पे थी सब कुछ उस पे ऊपर आ गया इवन के एक ऐसा पैर आया कि अंधेरा छा गया वो अंधेरा बादल का नहीं था वो अंधेरा गुनाहों का था लेकिन उस वक़्त भी वो बाप के ताबे था वो उसने कहा टेटलस्ट आए अरे बाप जो तूने मुझे काम दिया है मैंने उसे तमाम कर दिया है और उसने जमीन पर खड़े होकर कहा मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूँ क्या आज मैं और आप उसके काम को आगे बढ़ा रहे हैं क्या उसकी बशारत को बढ़ा रहे हैं क्या तमाम हुआ उसने बाप दादा के गुना फिर हमारे गुना फिर बीमारी का खात्मा उसने किया एक बात याद रखिएगा आपकी जिंदगी में तब तक बरकत नहीं आ सकती जब तक आप अपने आप को उसकी सलीब के नीचे नहीं लेके आएंगे किसी के हाथ रखने से निजात नहीं है द लॉर्ड मैं सच कह रहा हूँ किसी के हाथ रखने से निजात नहीं है बल्कि जो ज़ुबान इकरार करेगी मसीह खुदावंद है उसकी ज़िंदगी में नजात आएगी उसके बगैर निजात का प्रोसीजर मुकम्मल ही नहीं होता काहिन साल भर में एक दफ़ा कुर्बानी लेकर जाता था और बाइबल मुकदस में मरकूम है कि वो बाकी जितनी बनी इसराइल थे ज़मीन पर आते वो कान लगा के लेट जाते थे काहिन ने लूप्स बांधी होती थी और बैल्स बजती थी और बैल अपने हाथ से नहीं बजाता था

खुदा को बनी इसराइल से नफरत है लेकिन वो एक शख्स के जो डेथ दूसरों बनी इसराइल को यह बताती थी कि तुमने गुनाह किया है लेकिन मेरे और आपकी यीशु की जो सलेबी मौत है और उसके बाद जो जिंदगी है वो ये बताती है कि उसने मेरे और आपके सारे गुनाहों को तमाम कर दिया फिनिश कर दिया इट इज फिनिश्ड तमाम हुआ आज हम फिर भी कहते हैं कि हम हैं मैं माफी के साथ कहता तो हूँ कई प्रीचर प्रीच करते कहेंगे जी तीसरी और चौथी पुस्त में गुनाह ट्रांसफर होंगे मैं कल भी कल कलवे जब सीख रहा था संडे को तो मैं सिखा रहा था मैं कहता नहीं ऐसा नहीं है अगर तीसरी और चौथी पुस्त में गुनाह शिफ्ट होंगे फिर यस्सू को सलीब पर जान देने की क्या जरूरत पड़ेगी फिर उसकी उसकी जान देने का हमें क्या फायदा उसकी जान देने का फायदा यह है कि चाहे तीसरी है चाहे चौथी है चाहे पांचवी है चाहे हजारवीं है हर एक का गुना बर्रा के लहू के वसीला से धुल चुका हुआ है इट इज फिनिश्ड वो तमाम कर चुका हुआ है आज हमें भी कुछ तमाम करना है आज हमें अपने गुनाहों का इकरार करके गुनाहों को तमाम करना है अपने घरों से इन चीज़ों को निकालना है हमने बहुत कुछ अपने अंदर रखा हुआ है दिन त्यौहार आ रहे हैं सब कुछ होता है हम दूसरों से गले भी मिल रहे होते हैं लेकिन अंदर से हम नफरत को ख़त्म नहीं करते गुस्से को ख़त्म नहीं करते कदूरतों को ख़त्म नहीं करते आज खुदा चाहता है कि इन चीज़ों का हमारी जिंदगी से खात्मा हो जाए आज उसको तमाम करना मेरा और आपका काम है कि ऐसे काम है जब आप सलीब के नीचे आएंगे इकरार करेंगे तो तब ये काम होगा बाइबल मुकदस में सिर्फ 300 सौ पेशेंट हुई तकरीबन कहते हैं जिसमें से आखिरी यसूसी ने जब इसको पूरा किया तो उसने कहा तमाम हुआ मेरे उसने तो तमाम कर दिया है क्या मैंने और आपने शुरू किया है उसकी खुशखबरी को सुनाना क्या मैंने और आपने शुरू किया है अपने खानदानों में यस्ु के नाम को बढ़ियाना क्रिसमस आएगा ईस्टर आएगा त्यौहार आएगा सब कुछ आएगा लेकिन क्या हमारी जिंदगी में ऐसी बात है कि सबसे पहला दर्जा यस्सु को है क्योंकि मैम जो सीखते हुए सिखा रहा था कि उसने बाप के किए को जो बाप ने सीखा उसने कहा बाप अगर हो सके तो यह प्याला मुझसे टल जाए इनकार नहीं किया था कई लोग कहते हैं गलत उसको इंटरप्रेट करते हैं सिखाते हैं कि शायद यसुमसी को सलीबी मौत से डर लग रहा था नहीं सर उसको सलीबी मौत से डर नहीं लग रहा था लेकिन तब से लेके आज तक को कभी मेरे बाप से जुदा नहीं हुआ था और खुदा खुदा है बोले आमीन वो उसकी आंख गुनाह को देख नहीं सकती जब यसु मसीह के ऊपर सारे गुनाह आ गए तो एक वक्त आया तो उसने कहा है मेरे बाप तूने मुझे क्यों छोड़ दिया वो छोड़ दिया गया उसे थोड़ी देर के लिए बाप ने उसके मुंह साइड पे कर लिया यस्ू से साइड पे नहीं किया फिर सिखाऊंगा गुनाहों की वजह से वो मेरे और आपके गुनाह जो सलीब पर थे उसने मुंह साइड पे कर लिया मैं हमेशा एक बात कहता हूँ क्लाम मुकदमे एक कैसा आना है कि जब आप इसे पढ़ेंगे तो ये आपके बंध बांध और गोदे में से गुजर जाएगा इस कलाम को अपने घरों में खोला करें बाइबल मुकदस में लिखा है कि बाप ने भी अपना मुंह बेटे से मोड़ लिया इसलिए मोड़ा क्योंकि उसको गुनाह से नफरत है क्या आज मेरी और आपकी जिंदगी में गुनाह बदियां तमाम हो चुकी हुई हैं या अभी भी प्रोसीजर जारी है आप कह लो पास्टर साहब अभी तो आप सिखा रहे थे कि इट इज फिनिश तमाम हो गया और उसने तमाम कर दिया हुआ है क्या मेरे और आपकी जिंदगी में यह तमाम हो चुका है अगर हो गया है तो खुदा आपको बहुत बरकत दे इस कलाम के वसीला से कि खुदा मुझे और आपको ये फजल दे ताकि हम उसकी खुशखबरी को दुनिया तक पहुंचा सकें और पता उसकी खुशखबरी क्या है कि उसकी कबर आज भी खाली है और उसकी सबसे बड़ी खुशखबरी क्या है कि जिसको मैं और आप मानते हैं उसकी कबर आज भी खाली खा लिया हालास और आए चंद लम्हों के लिए हम अपने सरों को झुकाएंगे और आपकी जिंदगी में अगर कमियां हैं कमजोरियां हैं बीमारियां हैं लाचारियाँ हैं तो आज मैं आपको बता दूं आपकी बीमारी बड़ी नहीं है आपका खुदा सबसे बड़ा है आपकी कमजोरी बड़ी नहीं है आपका खुदा सबसे बड़ा खुदा है आए बाप से कहें कि वो आपको बर रहम करे खुदा तेरा खादम होते हुए हर एक जिंदगी को जो इस टाइम इसको देख रही है तेरे महबह के पास लेकर आते हैं सर से लेके तलवा तक बरा के लहू में छिपाते हैं और बाप आपसे मिन्नत करते हैं उसी के नाम की खातर इन जिंदगी पर रहम कीजिएगा बाप आपके कला में लिखा है जो जुबान इकरार करेगी मसीह खुदावंद है वो नजात पाएगी तो बाबा आज नजात को इनके घरानों में चाहते हैं बाप मिन्नत करते हैं आज गुनाहों का खात्मा इनकी जिंदगी में हो जाए खुदावंद जब ये इकरार करें क्या हमसे गुनाह हो गया हमसे गलती हो गई बर्रा के लहू से धोके पाक और साफ कर दे तो खुदावंद इन्हें माफ कर दे इनकी जिंदगी इनके घरने हमेशा बाबर के ठहरे नेशनल चैनल के लिए भी तरह नेशनल न्यूज़ के लिए भी तरह शुक्र करते हैं इनके सारे डायरेक्टर्स के लिए सबको खुदाوند पूरी टीम को तेरे बहरा के लहू में छुपाते हैं मांगते हैं मसीह यीशु के नाम में आमीन आमीन वंस अगेन थैंक यू सो मच मैं अपने सदारे का नेशनल न्यूज़ का और पूरी टीम का खुदाوند के ज़ूरी में शुक्रगुजार हूं खुदाوند आप सबको बरकत दे गॉड ब्लेस यू